आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 किलो वजन कैसे कम किया जा सकता है, यानी 7 दिनों के अंदर अंदर 3 किलो वजन कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करती चलूँ कि हर डाइट प्लान हर एक के लिए नहीं होता। जिन लोगों को शुगर का मसला है, उनकी शुगर लो हो सकती है, वो ये डाइट प्लान बिल्कुल फॉलो ना करें। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं या जो हामला खवातीन हैं, वो भी इस डाइट प्लान का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों की शुगर अक्सर लो रहती है या ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, चाहे उन्हें शुगर का या ब्लड प्रेशर का मसला है या नहीं है, लेकिन उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, वो भी इस डाइट प्लान का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जिन लोगों को एनीमिया का मसला है यानी खून की कमी है, वो भी इस डाइट प्लान का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि एनीमिया में पहले वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ अगर वो इसमें से कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं तो फिर उनके लिए मसला होगा। सबसे पहला जो ट्रिक आता है वो ये आता है कि आप जो नाश्ता कर रहे हैं वही करते रहें, जो रात का खाना खा रहे हैं उसकी रोटी आधी कर दें। मतलब आप रात में अगर एक रोटी खाते हैं तो उसको आधा कर दें, दो रोटियां खाते हैं तो उसको हाफ कर दें। रात को सिर्फ रोटी खानी है और जितनी रोटी रूटीन में खाते हैं उसको हाफ कर देना है। चावल रात में अलाउड नहीं है। दोपहर का खाना आपने रिप्लेस करना है या तो 2 से 3 चिकन की बोटियों की यखनी से या 1 पाव कच्ची सब्जियों के सलाद से। मतलब आपने दोपहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, नाश्ता वही रहेगा। मिड मॉर्निंग में अगर कोई स्नैक लेते हैं वो भी वैसे ही रहेगा। बस कोशिश कीजिएगा कोई हेल्दी स्नैक जैसे फ्रूट का इस्तेमाल कर लिया। दोपहर का मुकम्मल तौर पे खाना नहीं खाना, उसकी जगह आपने 1 पाव कच्ची सब्जियों का सलाद या 2 से 3 बोटियों की यखनी लेनी है। शाम का स्नैक वैसे ही रहेगा। हाँ, आप प्रेफर करें कि आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। जो रात का खाना है उसकी रोटी आपने हाफ कर देनी है। उम्मीद है एक हफ्ते के अंदर अंदर इससे आपका 3 किलो वजन कम हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका यह है कि आप रात के खाने की जगह कैबेज कैप्सिकम सूप का इस्तेमाल शुरू करते हैं। अब कैबेज कैप्सिकम सूप क्या है कि आपने अपनी हथेली के बराबर बोनलेस चिकन लेना है, तकरीबन 1 से 2 आउंस। अगर आप हथेली के बराबर नहीं लेना चाहते तो आप 1 से 2 आउंस बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर उसको पानी में उबाल के पहले से उबली हुई शिमला मिर्च और पहले से उबली हुई कैबेज में ऐड कर देनी है। सिरका ऐड किया जा सकता है, सोया सॉस हरगिज़ ऐड नहीं करनी आपने। हाँ, आप उसमें मसाला ज़्यादा अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं और आप उसका इस्तेमाल रात के खाने की जगह करेंगे पूरा हफ्ता। उम्मीद है इससे भी आपका 3 किलो वजन जो है वो कम हो जाएगा। अगला तरीका आता है कि आप अपने दोपहर के या रात के खाने को 3 अमरूद से रिप्लेस कर दें। मतलब आपने दोपहर का खाना नहीं खाना, उसकी जगह 3 अमरूद खाने हैं, या आपने रात का खाना नहीं खाना, उसकी जगह 3 दरमियाने साइज के अमरूद खाने हैं। अब ये नहीं करना जितने बड़े बड़े अमरूद हैं वो 3 आपने पकड़ लिए, दरमियाने साइज के अमरूद का इस्तेमाल करना। चौथा तरीका इसका ये आता है कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग से मुराद ये है कि आपने जो खाना, आपने 8 घंटे की विंडो रखनी है जिसके अंदर अंदर खाना है, 12 से 8 हो सकता है, 11 से 7 हो सकता है, जो खाना है वो आपने 8 घंटों के अंदर अंदर खाना है, लेकिन उसमें रोटी 1 वक्त होनी चाहिए। रोटी का इस्तेमाल करना है, चावलों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। रोटी 1 वक्त जैसे नाश्ता दूध या फ्रूट का हो जाए या दूध या अंडे का हो जाए। दोपहर के वक्त आप कोई सलाद बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में 2-3 फल डाल दें, और रात में आपने 1 रोटी 7 इंचेस के खानी और साथ ज्यादा सारा सलाद और ज्यादा सारा सालन ले लेना है। सालन में दाल और आलू का इस्तेमाल हरगिज़ तौर पर नहीं करना। अगला इसका तरीका ये आता है कि आप बनाना डाइट कर लें। बनाना डाइट हरगिज़ रिकमेंडेड नहीं है। बनाना डाइट के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप मोटिवेशन के लिए या बॉडी को एक किक स्टार्ट देना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि नाश्ते में 2 बनानास और साथ 1 ग्लास लो फैट मिल्क होना चाहिए। यही दोपहर का खाना होगा, यही रात का खाना होगा। बीच में कोई बेवरेज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, बहुत दिल करता है तो 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई खास रिकमेंडेड नहीं है। जीरा पानी बहुत अच्छा है। ऑल दो जीरा पानी शायद हफ्ते में 3 किलो हर एक का वजन कम ना करा सके। 1 चाय का चम्मच जीरा 3 लीटर पानी में भिगो के रखना है, पूरे दिन में वही पीना है, और उसके साथ बस इतना कर दें कि रात के खाने की जगह 2 घर के बने चिकन कबाब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। उम्मीद है 2 से 3 किलो एक हफ्ते में इससे भी कम हो जाएगा। अब इन सारे डाइट प्लान्स के साथ आधा घंटा वॉक जरूरी है, पानी का इस्तेमाल 15 ग्लास जरूरी है, खुद को एक्टिव रखना है, कुर्सी पर बैठने से वजन कभी भी कम नहीं होगा, फिजूल के स्ट्रेस नहीं लेने, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखना है, और जो हमें आदत होती है मंचे करने की, निबलिंग करने की, वो नहीं करना। ग्रीन टी का इस्तेमाल अगर आप इसमें इन सब डाइट्स में करना चाहें तो कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत।